हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? बहुत दिन बाद मैं आप लोगों के साथ लाइव आया हूँ। सब लोग लाइव आ जाएं। हाँ रविंद्र जतन जी, गुड गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? शुरू करते हैं। निशा जी गुड मॉर्निंग, रविंदर जी गुड मॉर्निंग, अमृता जी गुड मॉर्निंग। आवाज प्रॉपर आ रही है मेरी? तो ये कुछ आवाज में प्रॉब्लम होगी तो एक दो दिन में सही हो जाएगा। मैं इस पे काम कर रहा हूं। और ये मैं बताना चाहूंगा कि डेली मॉर्निंग में ये क्लास स्टार्ट होगी मेरी। तो डेली मॉर्निंग में ये करंट अफेयर्स की क्लास होगी और लाइव स्ट्रीमिंग होगी 9 बजे सुबह। और इसमें इंपॉर्टेंट, उसमें हम पहले में क्या करते थे कि पहले में आर्टिकल डिस्कस करते थे, वो बहुत बड़ा हो जाता था। तो इसमें केवल इंपॉर्टेंट डेली हेडलाइंस ही हम डिस्कस करेंगे और साथ में बाद में हम एमसीक्यू देखेंगे, ठीक है? और ये क्लासेस जो होंगी वो एन अकेडमी पे नहीं होंगी, वो मेरे चैनल यूट्यूब चैनल पे होंगी, ठीक है? तो डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ेंगे और आज पढ़ेंगे हेडलाइंस 12 अक्टूबर 2020 के। और मेरा नाम है शशिकांत चौहान। और इससे पहले जो लोग सब्सक्राइब करने किए होंगे मेरे चैनल को, तो उसको सब्सक्राइब की कर लें और बेल आइकन को हिट भी कर लें, जिससे आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलती रहे। सबसे पहला हेडलाइन है 11 अक्टूबर की खबर है, यानी परसों की खबर है, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल्स चाइल्ड। इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल्स चाइल्ड जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसकी जो थीम रखी गई है वो है माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर। तो याद रखिएगा, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल्स चाइल्ड इज ऑन ऑब्जर्व ऑन 11 अक्टूबर, और इसकी जो थीम रखी गई है वो है माई वॉइस माई आवर इक्वल फ्यूचर, ठीक है? और इसमें ग्लोबल जनरेशन इक्वलिटी की बात की गई है, जनरेशन इक्वलिटी की, यानी महिला और पुरुष की में समानता की बात की जा रही है। और इसमें इसी उपलक्ष में 12 अक्टूबर को चैतन्य वेंकटेश्वरन को, जो भारतीय
महिला है, न्यू दिल्ली की रहने वाली हैं। इनको अपॉर्चुनिटी दी गई है एक दिन के लिए यूके के सीनियर मोस्ट डिप्लोमेट के तौर पे एम्बेसी में काम करने के लिए। तो ये क्यों दिया गया है, क्योंकि ये इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल्स चाइल्ड को प्रमोट करने के लिए ये किया गया है। तो चैतन्य वेंकटेश्वरय जो हैं, नई दिल्ली की चैतन्य वेंकटेश्वरन, ये दुनिया भर में महिलाओं द्वारा पेश की गई चुनौतियों को सशक्त बनाने और उन्हें उजागर करने के उद्देश्य से मिशन के पहल के तहत भारत में ब्रिटेन के सबसे वरिष्ठ राजनयिक के रूप में अंतिम बुधवार को बिताने का अनूठा अवसर दिया। कहने का मतलब यह है कि जो यूके की एम्बेसी है इंडिया में, तो उसका जो मोस्ट पावरफुल डिप्लोमेट्स होते हैं, एम्बेसी एम्बेसडर होते हैं, एक दिन के लिए किसको बनाया गया है, चैतन्य वेंकटेश्वर को बनाया गया है नई दिल्ली में। ये किस लिए बनाया गया है, क्योंकि वुमेन एम्पावरिंग को और इक्वलिटी को, जनरेशन इक्वलिटी को दिखाने के लिए, प्रमोट करने के लिए। और ये किस दिन के उपलक्ष्य में बनाया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल्स चाइल्ड, और ये कब मनाया जाता है, 11 अक्टूबर को। इसी सिलसिले में एक चीज और देखा जाए तो इसी तरीके से एक और 7 तारीख को घटना हुई थी 7 अक्टूबर को, कि जो फिनिश प्राइम मिनिस्टर यानी जो फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं, एक दिन के लिए किसको बनाया गया था, एवा मोर्तो को। तो पीएम ऑफ डे के तौर पे, फिनिश प्राइम मिनिस्टर के तौर पे सना मेरिन की जगह एक दिन के लिए पीएम कौन बनी थी, एवा मोर्तो बनी थी। और ये गर्ल्स टेक ओवर कैंपेन के तहत बनाई गई थी। तो ये एक तरह से वुमेन एम्पावरिंग को बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए ये किया गया है। तो जैसे भारत में ब्रिटेन की एम्बेसी में सीनियर डिप्लोमेट्स के तौर पर चैतन्य वेंकटेश्वरन को बनाया गया था एक दिन के लिए एम्बेसी का हेड, और फिनलैंड में प्राइम मिनिस्टर के तौर पे सेना मेरिन की जगह एवा मोर्तो को एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। और ये जो फिनलैंड में बनाया गया था एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर, ये किस कंपेन के तहत बनाया गया था, गर्ल्स टेक ओवर कंपेन के तहत बनाया गया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि जो फिनलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम क्या है, सेना मेरिन है, और जो सबसे कम उम्र की प्राइम मिनिस्टर है, और इनकी जगह एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर कौन बनी थी, तो एवा मोर्तो बनी थी। और पीएम फॉर ए डे के तौर पे और किस कंपेन के तहत, गर्ल्स टेक ओवर कंपेन के तहत, और ये एक तरह से वुमेन्स चाइल्ड एम्पावरिंग को बढ़ावा देने के लिए है। ठीक है, और इस तरीके से भारत में भी ब्रिटेन के एम्बेसी में चैतन्य वेंकटेश्वरन को बनाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं अगला हेडलाइंस। 12 अक्टूबर को वर्ल्ड अर्थराइटिस डे यानी गठिया रोग दिवस मनाया जाता है, विश्व गठिया रोग दिवस कब मनाया जाता है, 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जा रहा है, 1996 से वर्ल्ड अर्थराइटिस डे के तौर पर मनाया जाता है, याद रखिएगा। कब मनाया जाता है, 12 अक्टूबर को मनाया जाता है, 12 अक्टूबर को। और ये किसके द्वारा, ये अवेयरनेस है, ये अवेयरनेस फैलाया जाता है किसके लिए, रूमेटिक एंड मस्क्यूलो स्केलेटल डिजीज के लिए, RMDs कहते हैं इसको। तो रूमेटिक एंड मस्क्यूलो स्केलेटल डिजीज रिलेटेड होता है अर्थराइटिस, गठिया का रोग होता है। और इस दिन इंफॉर्मेशन और सपोर्ट किया जाता है किसको, जो पेशेंट्स होते हैं किससे रिलेटेड, RMD यानी रूमेटिक एंड मस्क्यूलो स्केलेटल डिजीज से, जिसको हम अर्थराइटिस भी कहते हैं। और 1996 से सबसे पहली बार ये अर्थराइटिस मनाया जाता है, अर्थराइटिस डे मनाया जाता है। दो टाइप के अर्थराइटिस होते हैं, एक ऑस्टियोपोरोसिस अर्थराइटिस होती है और एक होता है रूमेटिक अर्थराइटिस। और इन दोनों रोगों से संबंधित एक संस्था है, और ऑस्टियोपोरोसिस अर्थराइटिस एंड रूमेटिक अर्थराइटिस ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा 1996 में 12 अक्टूबर को वर्ल्ड अर्थराइटिस डे मनाने का फैसला किया गया। और वर्ल्ड अर्थराइटिस डे की थीम जो 2020 की है वो है टाइम टू वर्क। तो टाइम टू वर्क इज द थीम ऑफ द ईयर वर्ल्ड अर्थराइटिस डे 2020। अगला है, आप नरेंद्र मोदी के ट्वीट से भी इसको देख सकते हैं, नरेंद्र मोदी की ट्वीट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनकी ट्वीट भी पढ़ा कीजिए, उससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है कि 12 अक्टूबर को जयंती है किसकी, राजमाता विजय राजे सिंधिया की। तो राजमाता विजय राजे सिंधिया जो राजमाता है कहाँ की, राजमाता है ग्वालियर की। तो ग्वालियर की ये राजमाता कही जाती हैं, और इनका नाम है विजय राजे सिंधिया। इनके नाम पर 12 अक्टूबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 100 रुपया का कॉमोमरेट
क्वाइंस जारी किया गया। तो 100 रुपीज की कॉमेमोरेट क्वाइंस किसके नाम पर जारी किया गया है? विजय राजे सिंधिया के नाम पर। और विजय राजे सिंधिया क्या हैं? तो राजमाता हैं, कहां की? ग्वालियर की। और किस दिन ये जारी किया गया? 12 अक्टूबर को सुबह 11 बजे। तो 12 अक्टूबर सुबह 11 बजे 100 रुपया का क्वाइन कॉमेमोरेटिव क्वाइन के तौर पर विजय राजे सिंधिया के जन्मदिन पे ये जारी किया गया, ठीक है, किसके द्वारा? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो अभी पूछा जा सकता है कि 100 रुपया का क्वाइन किसके नाम पर जारी किया गया है? तो विजय राजे सिंधिया के नाम पर। अभी विशाखापत्तनम की अगर बात करें तो एक फ्लीट अवार्ड फंक्शन हुआ है, फ्लीट अवार्ड फंक्शन जिसको हम FAF 2020 के नाम से जानते हैं। और इस अवार्ड फंक्शन में INS सह्याद्री को और INS कोरा को बेस्ट शिप का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट शिप का अवार्ड दिया गया है किसको? दो शिप को दिया गया है, एक तो INS सह्याद्री को कैपिटल शिप के तौर पर और INS कोरा को जो दिया गया है वो कोवर्टी के तौर पर। और ये दोनों जो INS शिप हैं ये पूर्वी बेड़े के नाम से जाने जाते हैं, यानी जो भारत का ये तट स्तर है, पूर्वी घाट है, यहाँ पे ये तैनात हैं सीप, यहाँ पे पूर्वी बेड़ा के तौर पे जाने जाते हैं, यहाँ पे पूर्वी बेड़ा में ये काम करते हैं। तो ये जो INS सह्याद्री है और INS कोरा है, इन दोनों को फ्लीट अवार्ड फंक्शन FAF 2020 पे क्या दिया गया है? बेस्ट शिप के अवार्ड दिया गया है। और INS सह्याद्री को कैपिटल शिप के तौर पे दिया गया है और INS कोरा को कोवर्टीज के तौर पे। और सह्याद्री को मालूम है कि आपको ये अभी हाल ही में जो COVID-19 में समुद्र सेतु प्रोग्राम हुआ था, समुद्र सेतु में इस जहाज का इस्तेमाल किया गया था, समुद्र सेतु में INS सह्याद्री का, और इसको फ्लीट अवार्ड फंक्शन में बेस्ट शिप का अवार्ड दिया गया है इन दोनों शिप को, INS सह्याद्री और INS कोरा को। और ये आयोजन कहाँ किसके द्वारा किया गया है? इंडियन नेवी के द्वारा किया गया है, ईस्टर्न फ्लीट यानी पूर्वी बेड़ा के द्वारा आयोजित किया गया है। और ये आयोजन कहाँ पे किया गया है? विशाखापट्टनम में, ठीक है। अगला जो हेडलाइन है, राजनाथ सिंह ने 44 ब्रिज को डेडिकेट किया है, और साथ 44 ब्रिज को डेडिकेट किया गया है पूरे राष्ट्र में। और ये 44 ब्रिज कितने राज्य में बनाए गए हैं? 7 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, यानी टोटल जो बनाए गए हैं 7 स्टेट्स में बनाए गए हैं और यूनियन टेरिटरीज में बनाए गए हैं। तो ये 44 ब्रिज जो हैं इनका उद्घाटन किसने किया है? राजनाथ सिंह ने। तो इस 44 ब्रिज की बात करें तो ये 44 ब्रिज किसके द्वारा बनाए गए हैं? BRO के द्वारा बनाए गए हैं, और BRO का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 44 ब्रिज जो बनाए गए हैं भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेना के लिए, हथियार ले आने के लिए, माल ढुलाई के लिए, ये हमारे देश की रक्षा के लिए, सीमाओं के लिए, ये 44 ब्रिज जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इसको डेवलप किया गया है किसके द्वारा? BRO के द्वारा डेवलप किया गया है। और ये इसका उद्घाटन किसने किया है? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने किया है। और इसके साथ साथ इन 44 ब्रिज के साथ साथ नेचुपो टनल का भी उद्घाटन किसने किया है? स्टोन यानी फाउंडेशन स्टोन शिलान्यास किया है नचिपे टनल का। और ये नचिपू टनल कहाँ बनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। तो एक चीज याद रखिएगा कि भारत के जो रक्षा मंत्री हैं इन्होंने पूरे देश में 44 ब्रिज का भी उद्घाटन किया है, और साथ साथ जो नचिपू टनल है अरुणाचल प्रदेश में उसका भी शिलान्यास राजनाथ सिंह जी ने किया है। और ये सभी चीजें, ये जो टनल है नचिपू टनल और जो 44 ब्रिज हैं, ये सब के किसके द्वारा बनाए जा रहे हैं? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO के द्वारा बनाए जा रहे हैं। और ये 44 ब्रिज पूरे भारत के 7 राज्यों में बनाए जा रहे हैं। और ये देखा जाए तो न्यू ब्रिजेज जो आर लोकेटेड कहाँ पे हैं? लद्दाख में है, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में। और 8 ब्रिज जो केवल लद्दाख में बनाए जा रहे हैं। 44 में से 8 ब्रिज कहाँ पे हैं? लद्दाख, क्योंकि चाइना से बॉर्डर से लगता है, तो वहाँ पे ये ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और एक चीज़ याद रखिएगा कि क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि नचिपू टनल कहाँ पे है? नचिपू टनल जो बनाया गया है वह कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। जैसे अटल अभी टनल बनाया गया है, तो अटल टनल कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में, जिसका उद्घाटन अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उसी तरीके से इस नचिपू टनल का जो अरुणाचल प्रदेश में, इसका उद्घाटन भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया। लेविस हैमिल्टन
ने अभी हाल ही में एफएल ग्रैंड प्रिक्स 2020 को जीत लिया है। तो लेविस हैमिल्टन की बात करें तो मर्सिडीज के ये ड्राइवर हैं और ये ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले हैं और इन्होंने एफएल ग्रैंड प्रिक्स जो जीत लिया है। और ये एफएल ग्रैंड प्रिक्स कहाँ पे हुआ था? जर्मनी में हुआ था, ठीक है, नर्बर्ग में हुआ था। तो जर्मनी के नर्बर्ग में ये एफिल ग्रैंड प्रिक्स हुआ था 2020 का। और इसके विजेता जो डिक्लेयर किए गए हैं, लेविस हैमिल्टन डिक्लेयर किए गए हैं, और लेविस हैमिल्टन मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और ग्रेट ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। और ये हैमिल्टन का सातवां ये सीजन है, 91st कैरियर रेस विक्ट्री है, इन्होंने 91 अपने कैरियर में ये विजय हासिल किए हैं और सातवां सीजन है इनका ये, विच वॉज स्टिल नाउ अचीव्ड ओनली बाय माइकल शुमाकर। तो ये केवल अभी तक ये इतने जो विक्ट्री हैं और सीजन हैं ये किसने हासिल किए हैं? माइकल शुमाकर के बाद ये हैमिल्टन ही हैं जिन्होंने इतने पदक जीते हैं। और मैक्स वेस्टेपन की बात करें रेडबुल के ड्राइवर हैं और ये नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं और ये सेकेंड आए हैं, ठीक है, तो इनके बाद सेकेंड आए हैं। और थर्ड पे आए हैं डेनियल रिसियार्डो और ये रिनॉल्ड के ड्राइवर हैं और ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, ये थर्ड पोजीशन पे आए हैं। तो अगर पूछा जाए कि एफिल ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विजेता कौन रहे हैं तो लेविस हैमिल्टन रहे हैं, ठीक है। फिर अगला है राफेल नडाल की अगर बात करें तो राफेल नडाल ने 13वां फ्रेंच ओपन जीता है, 13वीं बार ये फ्रेंच जीते हैं। तो राफेल नडाल किसको हरा कर जीते हैं? नोवाक जोकोविक को। नोवाक जोकोविक तो यूएस ओपन से बाहर कर दिए गए थे, फ्रेंच ओपन में फाइनल में राफेल नडाल से हार गए। और ये 13th फ्रेंच ओपन जीते हैं, कौन? राफेल नडाल जीते हैं और इन्होंने रोजर फेडरर की बराबरी कर दी है। तो राफेल नडाल ने नोवाक जोकोविक को हराकर 13वां फ्रेंच ओपन जीते हैं जो रोजर फेडरर की बराबरी किए हैं 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल में। फॉर वर्ल्ड नंबर वन जोकोविक, ये दुनिया के नंबर वन खिलाड़ी जोकोविक जो हैं वो हार गए हैं होप्स ऑफ 18 स्लैम। इनको ये अगर जीत जाते तो इनका 18वां स्लैम होता, ग्रैंड स्लैम होता, किसका? जोकोविक का, लेकिन हारने की वजह से ये हो नहीं पाया। और ये अगर 18वां ग्रैंड स्लैम जीत जाते तो ये फर्स्ट मैन होते रॉड लेवर के बाद 1969 के बाद, ठीक है। तो जोकोविक अगर ये टूर्नामेंट जीत जाते तो 18वां ग्रैंड स्लैम जीतने वाले ये दुनिया के सबसे पहले व्यक्ति होते रोड लेवर के बाद 1969 के बाद। तो राफेल नडाल से नोवाक जोकोविक हार के 13वां फ्रेंच ओपन के विजेता घोषित हुए हैं राफेल नडाल जो रोजर फेडरर की बराबरी किए हैं। अगला है पोलिश टीन एजर ईगा स्वियाटेक। तो ईगा स्वियाटेक क्या है? महिला कैटेगरी में, महिला श्रेणी में ये विजेता हासिल हुई हैं। तो टेनिस जो अभी हुआ है फ्रेंच ओपन चैंपियनशिप, उसकी महिला कैटेगरी में, फीमेल कैटेगरी में पोलिश टीन एजर ईगा स्वियाटेक ने विजय हासिल किया है, ठीक है। और किसको हराकर? सोफिया केनिन को हराकर फ्रेंच ओपन महिला श्रेणी में किसने जीता है? ईगा स्वियाटेक। और ये पोलिश प्लेयर हैं, टेनिस प्लेयर हैं। और यहाँ पे हम लोगों का डेली हेडलाइंस का जो पार्ट है वो समाप्त होता है। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे जो एमसीक्यू होंगे कुछ इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक चीज रुकिएगा, तो इसका आंसर क्या होगा? इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल्स चाइल्ड कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर इज 11th अक्टूबर। तो 11 अक्टूबर को हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल्स चाइल्ड मनाया जाता है,
ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल्स चाइल्ड 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड अर्थराइटिस डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड अर्थराइटिस डे तो वर्ल्ड अर्थराइटिस डे जो मनाया जाता है वो हर साल 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। राइट आंसर इज 12th अक्टूबर। ठीक है, 12th अक्टूबर इज द राइट आंसर। सुमन, सोनम जी और अमृता जी आप लोग एकदम सही हैं। तो 12th अक्टूबर को वर्ल्ड अर्थराइटिस डे मनाते हैं और इसकी जो थीम रखी गई है वो है टाइम टू वर्क। टाइम टू वर्क इसकी थीम है। टाइम टू वर्क इज द थीम ऑफ द ईयर 2020 ऑफ द वर्ल्ड अर्थराइटिस डे। 12 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस ये क्वेश्चन है कि यूनियन गवर्नमेंट हैज परमिटेड एक्सपोर्ट रोज ऑनियंस। ये हम बताया नहीं है, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम बता देंगे इसको। तो एक रोज ऑनियंस वैरायटी होती है, प्याज की एक वैरायटी होती है जिसको हम रोज ऑनियंस कहते हैं। और इस रोज ऑनियंस को 2015 में जीआई टैग में मिल चुका है। तो जीआई टैग 2015 में मिल चुका है इस रोज ऑनियंस को। और कृष्णापुरम ऑनियंस, तो ये प्रजाति हैं, वैरायटी हैं किसकी? ऑनियंस की, रोज ऑनियंस और कृष्णापुरम ऑनियंस। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परमिट दे दिया है किस चीज से संबंधित? एक्सपोर्ट से संबंधित। और 10,000 मीट्रिक टन्स ये एक्सपोर्ट की जाएगी रोज ऑनियंस और कृष्णापुरम ऑनियंस 31 मार्च 2000। ये कब तक एक्सपोर्ट की जाएगी? 31 मार्च 2021 तक। इसमें किसानों की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए और किसानों की आय को बढ़ाने के लिए यह फैसला लिया गया है भारत सरकार के द्वारा कि रोज ऑनियंस और कृष्णापुरम ऑनियंस के 10,000 मीट्रिक टन्स को एक्सपोर्ट किया जाएगा 31 मार्च 2021 तक और इससे किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। तो इसलिए फैसला लिया गया है किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि रोज ऑनियंस जो है वो कहां से बिलोंग करता है, ये रोज ऑनियंस का प्रोडक्शन किस क्षेत्र किस जगह से होता है। रोज ऑनियंस को 2015 में जीआई टैग भी मिल चुका है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर इज बैंगलोर। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो रोज ऑनियंस होते हैं, जो रोज ऑनियंस हैं यानी गुलाबी जो प्याज होता है, ये कहां पे किस जगह से पाया जाता है? बेंगलोर के आसपास में इसका प्रोडक्शन होता है रोज ऑनियंस का। और मैं बता चुका हूं कि 2015 में इसको जीआई टैग भी मिल चुका है रोज ऑनियंस को। और ये बेंगलुरु के आसपास जगहों पे ये पैदावार होती है, प्रोडक्शन होता है रोज ऑनियंस का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अभी 100 रुपया का जो क्वाइंस जारी किया गया है कॉमेमोरेटिव मतलब स्मृति के तौर पे, किसके नाम पर यह जारी किया गया है? विजय राजे सिंधिया। और विजय राजे सिंधिया के जन्मदिन पे यह सम्मान में जारी किया गया है। ये विजय राजे सिंधिया जो है वो राजमाता हैं, किस जगह की राजमाता है? हाँ, बिल्कुल 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 सही। तो राइट आंसर इज ग्वालियर। तो ग्वालियर की राजमाता हैं विजय राजे सिंधिया और बीजेपी के स्थापना में इनका सहयोग रहा है, सह संस्थापक रही हैं विजय राजे सिंधिया। और अगला क्वेश्चन है, फ्लीट अवार्ड फंक्शन 2020 में बेस्ट शिप ट्रॉफी किन शिप्स को दिया गया है, किन जहाजों को पूर्वी बेड़े के तौर पर बेस्ट शिप ट्रॉफी दी गई है फ्लीट अवार्ड फंक्शन 2020 के अंतर्गत? तो ये आप लोगों के सामने है ऑप्शंस, और कौन सा ऑप्शन सही होगा आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं इसका आंसर। यहाँ पे ये है कि वहां पे कमेंट बॉक्स में नहीं दे सकते थे, लेकिन यहाँ पे कमेंट बॉक्स में ही आंसर देना है। बिल्कुल निशा जी, अमृता जी, मनोज जी, रविंदर जी सब लोग सही हैं।
नहीं निशा जी, डी ऑप्शंस राइट, डी ऑप्शन राइट है। हमने अभी आर्टिकल में बताया था कि दो जहाजों को आईएनएस सह्याद्री और आईएनएस कोरा, इन दोनों दोनों को बेस्ट शिप का अवार्ड दिया गया है। इसको दिया गया है अमोंग कैपिटल शिप में और इसको दिया गया है अमोंग कवर्टीज में। तो ये दोनों को बेस्ट शिप का अवार्ड दिया गया है, बेस्ट ट्रॉफी अवार्ड दिया गया है। किसमें? फ्लीट अवार्ड फंक्शन में 2020 में विशाखापत्तनम में ये सेरेमनी आयोजित की गई थी। तो राइट आंसर इज ए एंड बी। और सह्याद्री तो समुद्र सेतु में भी पार्टिसिपेट किया था, समुद्र सेतु जो कार्यक्रम था उसमें भी पार्टिसिपेट किया था कौन? आईएनएस सह्याद्री। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ नचीफू टनल। तो नचीफू टनल जो है ये कहाँ पे, इसका उद्घाटन भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा क्या किया गया है? तो ये नचीफू टनल किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको आंसर जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। हाँ, सह्याद्री और कोरा। हम शाम को 6 बजे या 7 बजे लास्ट के 6 मंथ के करंट अफेयर्स ले आएंगे, जो रिवीजन करेंगे। मई से लेकर अक्टूबर तक का सारा करंट अफेयर्स होगा उसमें। तो मई से लेकर अक्टूबर तक का सारा करंट अफेयर्स हम लेके आएंगे शाम को 6 या 7 बजे। क्लास वो हम अरेंज कर देंगे। ये मॉर्निंग जो क्लास होगी वो डेली बेसिस वाली होगी, हर दिन वाली होगी। डेली की जो घटनाएं होंगी उनसे संबंधित होंगी। और रात शाम को जो होंगी वो लास्ट 6 मंथ का जो टारगेट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो लगभग एग्जाम से पहले हम 2,500 क्वेश्चन करा देंगे। तो राइट आंसर ही अरुणाचल प्रदेश। तो नचीफू जो टनल का उद्घाटन किया गया है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और साथ साथ राजनाथ सिंह जी ने 44 ब्रिजेज का भी उद्घाटन किया, जो 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में भी, 7 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में सिचुएटेड है 44 ब्रिजेज का। और नचीफू टनल जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हम कुछ दिन पहले आप लोगों को बताए होंगे कि 8 समुद्री बीचेज को, 8 बीचेज को भारत सरकार ने रिकमेंड किया है किसको दर्जा देने के लिए? इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेशन का दर्जा पाने के लिए। तो अभी कुछ दिन पहले हम लोग ये करंट अफेयर्स पढ़े थे कि 8 समुद्री बीचेज को इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए भारत सरकार ने रिकमेंडेशन दिया है। और द फ्लू ब्लू फ्लैग प्रोग्राम के अंतर्गत, और इसको मान्यता भी मिल गई है। तो एक बात बता दें कि जो भारत सरकार ने इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए 8 बीचेज को रिकमेंडेशन जो भेजी गई थी, उन 8ों को एक्सेप्ट कर लिया गया है। इसका मतलब कि भारत के 8 जो बीच रिकमेंडेड थे वो अब ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड हो चुके हैं। और ये पहली बार हुआ है कि 100% ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। 8 भेजे गए और 8ों हो गए, ठीक है। और ये किसके द्वारा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दी जाती है? और ये दिया जाता है फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन के द्वारा। तो इसका नाम होता है फी, और फी का फुल फॉर्म है यहां पे क्या, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन। और यहां पे पूछा गया है कि फी का हेडक्वार्टर कहां है, तो फी का हेडक्वार्टर आपको बताना है। तो क्वेश्चन के जरिए बताइए कि कमेंट बॉक्स में कि जो फी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पूरा नाम है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, इसके द्वारा ब्लू फ्लैग प्रोग्राम जो आयोजित की जाती है उसके तहत भारत के द्वारा जो 8 समुद्री किनारों को इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए भेजा गया था, उन 5ों इन 8 बीचेज को अनुमति मिल गई है, यानी सर्टिफिकेशन मिल गई है। तो ये फी जो ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका ऑप्शन आपको बताना है कि फी का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो राइट आंसर इज डेनमार्क, ठीक है। और डेनमार्क की अगर बात करें तो डेनमार्क की जो कैपिटल होती है वो कोपेनहेगन होती है। डेनमार्क की कैपिटल क्या होती है? कोपेनहेगन होती है। और करेंसी जो होती है वो डैनिश क्रोन होती है, डैनिश क्रोन होती है, ठीक है। डैनिश क्रोन इज द करेंसी ऑफ डेनमार्क और कोपेनहेगन इज द कैपिटल ऑफ डेनमार्क। और जो फी ऑर्गेनाइजेशन है ये डेनमार्क में सिचुएटेड है। ये
फाउंडेशन फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन, ये वेबसाइट से मैं लिया हूँ, फी के वेबसाइट से। इसका जो आप देख रहे हैं कि हेडक्वार्टर कहाँ है, डेनमार्क में है, ठीक है, डेनमार्क में है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जो डेनमार्क कोपेनहेगन में स्थित है, और फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन इज 5 प्रोग्राम। तो कितने ये प्रोग्राम चलाता है फी, तो ये 5 प्रोग्राम चलाता है जिसका हेडक्वार्टर कोपेनहेगन डेनमार्क में है। एक तो हो गया ब्लू फ्लैग, जिसके लिए भारत ने, इंडिया ने 8 बीचेज को रिकमेंड किया था ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए। कौन से प्रोग्राम के तहत? ब्लू फ्लैग प्रोग्राम के तहत। और ग्रीन के ये दूसरा प्रोग्राम है, इको स्कूल, यंग रिपोर्टर्स फॉर द एनवायरनमेंट, लर्निंग अबाउट फॉरेस्ट, ग्लोबल फॉरेस्ट फंड। ये 5 प्रोग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे 6 प्रोग्राम लिखा हुआ है। तो ये सारे प्रोग्राम जो है वो कौन ऑर्गेनाइज कराता है? फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, जिसका हेडक्वार्टर कोपेनहेगन डेनमार्क में है। फिर यहां पर बात करेंगे कि ये ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल्स चाइल्ड डे, हु अमंग द फॉलोइंग गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व एज द ब्रिटिश हाई कमिश्नर, यानी ब्रिटिश उच्चायुक्त किसे एक दिन के लिए बनाया गया था? तो इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल्स चाइल्ड डे के अवसर पर, यानी 11 अक्टूबर के दिन, ब्रिटिश हाई कमिश्नर के तौर पर किसे एक दिन के लिए हाई कमिश्नर बनाया गया था? तो ये क्वेश्चन आपको आंसर बताना है। तो राइट आंसर है चैतन्य वेंकटेश्वरन। तो चैतन्य वेंकटेश्वरन, याद रखिएगा कि इनको ब्रिटिश हाई कमिश्नर बनाया गया था फॉर वन डे। और किस उपलक्ष में? इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल्स चाइल्ड के उपलक्ष में, जो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, 11 अक्टूबर को मनाया जाता है हर साल, ठीक है। अगला है, हु एमंग द फॉलोइंग रिसेंटली वॉन द एफिल ग्रैंड प्रिक्स 2020। तो एफिल ग्रैंड प्रिक्स 2020 का आयोजन जो हुआ था, उसके विजेता कौन डिक्लेयर किए गए हैं? हाँ बिल्कुल सही, लेविस हैमिल्टन नंबर 1 रहे हैं, विनर रहे हैं, ठीक है। और मैक्स वेस्टेपन की अगर बात करें तो सेकेंड पोजीशन पे, और डेनियल रिकार्गो की अगर बात करें तो ये थर्ड पोजीशन पे रहे हैं, ठीक है। और ये मर्सिडीज के हैं, ब्रिटेन के, मैक्स वेस्टेपन रेडबुल के हैं। तो राइट आंसर इज लेविस हैमिल्टन। हाँ बिल्कुल। अगला है, फ्रेंच ओपन मेन्स सिंगल्स टाइटल के विजेता कौन रहे हैं? तो राइट आंसर इज राफेल नडाल। तो राफेल नडाल की अगर बात करें तो राफेल नडाल किसको हराए हैं? तो नोवाक जोकोविक को हरा के, तो राफेल नडाल विनर रहे हैं फ्रेंच मेन सिंगल टाइटल्स के, राफेल नडाल और नोवाक जोकोविक को हराए हैं फाइनल में। और ये है महिलाओं, वोमेन्स सिंगल टाइटल में फ्रेंच ओपन की विजेता कौन घोषित की गई हैं? फ्रेंच ओपन वोमेन्स सिंगल टाइटल्स की विजेता कौन डिक्लेयर की गई है? तो राइट आंसर इज इगा स्वेटेक, ठीक है। और ये पोलैंड की है इगा स्वेटेक, टेनिस प्लेयर हैं, और ये जीवन का पहला ये ग्रैंड स्लैम जीती हैं इगा स्वेटेक, पोलैंड की पोलिश टेनिस प्लेयर हैं। पोलैंड की कैपिटल क्या होती है? बिल्कुल वारसा होती है, वेरी गुड। पोलैंड की जो कैपिटल होती है वारसा होती है,
तो आज का क्वेश्चन समाप्त होता है। आज के जितने भी आर्टिकल्स रिलेटेड, हेडलाइंस से रिलेटेड जो थे वो समाप्त होते हैं। आप लोग कहेंगे तो प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस करा देंगे। 7 तारीख को मैंने क्वेश्चन बनाया था लेकिन हो नहीं पाया था। ठीक है, तो और क्वेश्चन करा दें, 10 ठो 10 10 क्वेश्चन और करा दें। ठीक है, फटाफट 10 क्वेश्चन कर लेते हैं। और ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन, वर्ल्ड हैबिटेट डे कब मनाया जाता है? फटाफट करते हैं। ठीक है, राइट आंसर इज डी, राइट आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन, हम पिछली क्लास में इस आर्टिकल को कराए थे, जो लास्ट हमारा वीडियो था आर्टिकल, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जो लोग पिछला आर्टिकल देखे होंगे, वीडियो देखे होंगे, तो उससे उसी से क्वेश्चंस ये सारे हैं। तो अभी हाल ही में नासा के द्वारा एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे एक स्पेसक्राफ्ट भेजा गया है, जो कार्गो स्पेसक्राफ्ट था, कॉमर्शियल कार्गो स्पेसक्राफ्ट था, और 3630 किलोग्राम ये कार्गो स्टेशन पे भेजा गया है। और एयरक्राफ्ट का नाम किस एस्ट्रोनॉट्स के नाम पर रखा गया है, ये क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इज कल्पना चावला। तो कल्पना चावला के नाम पर, SS कल्पना चावला के नाम पर ये कमर्शियल कार्गो स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया है। कहाँ कहाँ के लिए? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए। और 3630 किलोग्राम का कार्गो ये भेजा गया था N14 मिशन के तहत। कौन से मिशन के तहत? N14 मिशन, NG14 मिशन के तहत। और इस स्पेसक्राफ्ट का जो नाम रखा गया है, भारतीय मूल की जो अंतरिक्ष यात्री हैं, कल्पना चावला के नाम पर रखा गया। ये पिछली क्लास के आर्टिकल से रिलेटेड है। 12th ब्रिक्स समिट जो आयोजित होगा 17 नवंबर 2020 को, ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ये आयोजित की जाएगी। ब्रिक्स समिट को ये 12वां ब्रिक्स समिट होगा। और इस चैंपियन इसके चेयरमैनशिप किस कंट्री को दिया गया है? कौन कंट्री इसका अध्यक्षता करेगा 12वें ब्रिक्स समिट का? सत्रह नवंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 12वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजित की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता कौन सी कंट्री करेगी? तो राइट आंसर इज रसिया, राइट आंसर इज रसिया। अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 13th ब्रिक्स समिट कहां पे आयोजित होगा, तो 13th ब्रिक्स समिट जो आयोजित होगा वो होगा 2021 में। और इसका आयोजन कहां पे की जाएगी? तो याद रखिएगा, इंडिया। तो ये क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाने की संभावना है। तो 13वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कहां पे होगा? तो इसका सही आंसर है इंडिया। तो ये क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा सकता है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, ये भी पिछले आर्टिकल में जो बताया था उसमें, अभी 42वीं जीएसटी परिषद की बैठक हुई थी, 42nd जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, जिसकी अध्यक्षता भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा किया गया। और इसमें डिसाइड किया गया है कि राज्यों को कंपनसेशन सेस के तौर पर अमाउंट डिसबर्स किया जाएगा, यानी दिया जाएगा। कितना 1000 अमाउंट
या कितना करोड़ रुपए ये दिया जाएगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। किसको दिया जाएगा? राज्यों को दिया जाएगा। और ये किसके जरिए? जो कलेक्टेड अमाउंट है कंपनसेशन के सेस के जरिए। तो कंपनसेशन सेस के जरिए जो कलेक्टेड अमाउंट है ये राज्यों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और ये फैसला जो लिया गया है 42वें जीएसटी काउंसिल के सम्मेलन में लिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर इज, वेरी गुड अमृता जी, रविंदर जी, निशा जी। तो राइट आंसर इज डी, 20,000 करोड़ रुपए ये दिए जाएंगे केंद्र सरकार के द्वारा जीएसटी के जरिए, जो कंपनसेशन सेस के जरिए केंद्र सरकार को इकट्ठा हुए हैं। तो 20,000 करोड़ रुपए ये दिए जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है किसको? स्मार्ट को। और स्मार्ट एक टारपीडो रिलीज्ड फ्रॉम व्हीलर आइसलैंड। तो व्हीलर आइसलैंड ओडिशा में है, जिसको आज की डेट में एपीजे अब्दुल कलाम आइसलैंड भी कहते हैं। और इसके यहां से एक टारपीडो स्ट्राइक करने वाला सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, जिसका नाम रखा गया है स्मार्ट। और स्मार्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि स्मार्ट में एस का मतलब क्या होगा। तो स्मार्ट में एस का मतलब क्या होगा? हाँ बिल्कुल अमृता जी, रविंद्र जतन जी, निशा जी, बिल्कुल सही। तो राइट आंसर इज सुपरसोनिक। ठीक है, सुपरसोनिक ये टारपीडो रिलीज टारपीडो है। इंडिया हैज रिसेंटली एग्रीड टू ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ सिटवे पोर्ट बेस्ड इन। तो ये सिटवे पोर्ट जो है वो किस कंट्री में सिचुएटेड है, जहां से भारत सी रूट्स के जरिए कार्गो सप्लाई करेगा, और इसको ऑपरेशनलाइज कर दिया जाएगा, यानी फंक्शन कर दिया जाएगा, ये कार्य करना शुरू कर देगा जल्द ही। तो इंडिया अभी हाल ही में अप्रूवल दे दिया है, एक सहमति जाहिर कर दिया है कि ऑपरेशनलाइज कर दिया जाएगा। किस पोर्ट को? सिटवे पोर्ट को। और सिटवे पोर्ट कहां पे स्थित है, ये क्वेश्चन बताना है आप लोगों को, क्वेश्चन का आंसर बताना है। हाँ बिल्कुल, म्यांमार में स्थित है। हम इसको पिछले पिछले वीडियो में पूरा मैप के जरिए हम बताए थे कि म्यांमार में ये पलेटवा से होते हुए सिटवे पोर्ट तक ये नदी होगी, एक कलादान नदी। इस नदी का नाम होगा क्या? कलादान नदी। और कलादान प्रोजेक्ट भी इसको कहा जाता है। और ये सितवे पोर्ट है, ये सितवे पोर्ट है, और ये पूरा म्यांमार है, ये म्यांमार है। और ये सितवे पोर्ट रखाइन क्षेत्र में है, रखाइन जो प्रोविंसी है उसमें ये सितवे पोर्ट है। और ये इसके जरिए कोलकाता को कनेक्ट किया जाएगा, कोलकाता को कनेक्ट किया जाएगा। तो ये पूरा पिछले वीडियो में हमने पूरा डिटेल में इसको बताया था। तो ये कालादान जो नदी है, पलेटवा पलेटवा जगह है, और सितवे पोर्ट है, रखाइन क्षेत्र है, ये सारा सारा कहां पर आता है? म्यांमार में आता है। फिर अभी हाल ही में युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध कैंपेन जो शुरू किया गया है, और एयर पोल्यूशन को खत्म करने के लिए, ये किस राज्य या यूनियन टेरिटरी के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध कैंपेन किसके द्वारा शुरू किया गया है। हाँ बिल्कुल, राइट आंसर इज न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, यानी जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसके द्वारा एक कैंपेन शुरू किया गया है एयर पॉल्यूशन को दूर करने के लिए, जिसका नाम है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला एयरपोर्ट जो किसके अंतर्गत आता है? एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, जो पूरी तरीके से क्या है? सोलर पावर्ड है, विच इज इंटायरली सोलर पावर्ड। तो भारत का वो कौन सा एयरपोर्ट है, फर्स्ट एयरपोर्ट है, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है, जो पूरी तरीके से इंटायरली सोलर पावर्ड हो चुका है, ये कौन सा एयरपोर्ट है? तो राइट आंसर इज पुडुचेरी एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधीन, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधीन जो पहला एयरपोर्ट है जो सोलर पावर्ड है, वो कौन डिक्लेयर किया गया है?
पुडुचेरी एयरपोर्ट को डिक्लेयर किया गया। वैसे अगर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सबसे पहला जो सोलर पावर्ड एयरपोर्ट है वो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अच्छा, क्वेश्चंस कट भी रहे हैं, मैं तो ध्यान ही नहीं दे रहा था, उसको सेट करना पड़ेगा मुझे। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा एमओयू पे साइन किया गया है स्ट्रीट फूड वेंडर्स ऑन इट्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तो ये अभी हाल ही में स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा किसके साथ एमओयू पे साइन किया गया है, किसके साथ एमओयू पे साइन किया गया है स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए? तो राइट आंसर इज स्विगी। तो राइट आंसर स्विगी। तो स्विगी के साथ, स्विगी और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जो हरदीप सिंह पुरी इसके मिनिस्टर हैं, तो इस मंत्रालय के जरिए और स्विगी के जरिए एक एमओयू पे साइन किया गया है। किसके लिए? कि कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए स्ट्रीट फूड वेंडर्स को। तो स्ट्रीट फूड वेंडर्स को कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए स्विगी के साथ एमओयू HUA यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स के द्वारा एग्रीमेंट किया गया है, एमओयू पे साइन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अनंत कुमार सुरेंद्र राय दवे, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। अनंत कुमार सुरेंद्र राय दवे, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये चीफ जस्टिस थे कहाँ के, तो किस जगह के ये चीफ जस्टिस थे? अनंत कुमार सुरेंद्र राय दवे, तो ये किस जगह के ये चीफ जस्टिस थे? तो राइट आंसर इज गुजरात। तो याद रखिएगा कि अनंत कुमार सुरेंद्र राय दवे, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, ये चीफ जस्टिस थे किस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे? तो गुजरात हाई कोर्ट के ये चीफ जस्टिस थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। वर्ल्ड टीचर्स डे, वर्ल्ड टीचर्स डे कब मनाया जाता है हर साल? तो इसका आंसर आपको बताना है, वर्ल्ड टीचर्स डे बहुत ही पॉपुलर है। तो इसका सही आंसर है 5 अक्टूबर, इसका सही आंसर है 5 अक्टूबर को हर साल वर्ल्ड टीचर्स डे मनाते हैं। अगर नेशनल टीचर्स डे पूछा जाए, नेशनल टीचर्स डे पूछा जाए तो 5 सितंबर है। अगर वर्ल्ड टीचर्स डे पूछा जाए तो इसका सही आंसर है 5 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन, श्याम जी कृष्णा वर्मा को ट्रिब्यूट किए हैं किसने ट्रिब्यूट किया है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा की एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ट्रिब्यूट किया गया है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि श्याम जी कृष्ण वर्मा ये किस चीज से संबंधित है, ये क्या थे जिनके जिनके लिए जाना जाता है इनको? तो राइट आंसर इज फ्रीडम फाइटर। ये स्वतंत्रता सेनानी थे श्याम जी कृष्ण वर्मा, जिन जिनके बर्थ एनिवर्सरी पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में ट्रिब्यूट किया है। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड अ न्यू वर्जन ऑफ न्यूक्लियर कैपेबल सौर्य मिसाइल, इट कैन स्ट्राइक टारगेट एट अराउंड। तो जो अभी हाल ही में शौर्य मिसाइल जो लॉन्च किया गया है DRDO के द्वारा, इसका स्ट्राइक रेंज क्या है या हमला करने का जो रेंज है वो क्या है? तो आप लोग बता सकते हैं इस ऑप्शन में से, 5 ऑप्शन है शौर्य मिसाइल की स्ट्राइक रेंज क्या है। तो राइट आंसर इज 800 किलोमीटर। तो 800 किलोमीटर शौर्य मिसाइल की क्या है, रेंज है, स्ट्राइक रेंज है 800 किलोमीटर। हाँ, लेकिन हर जगह हम ये चेक किए थे तो स्ट्राइक रेंज इसका जो बताया था वो 800 किलोमीटर हर जगह लिखा हुआ था, मोस्टली जगह, जो एक एक्यूरेट है या कह सकते हैं इसका एवरेज है एक तरह से।
ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो इनके द्वारा अभी हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है क्या, रेज 2020 समिट्स। और रेज 2020 समिट जो एसोसिएट्स है वो किससे संबंधित है, रेज 2020 किससे संबंधित है, ये किस विषय पर आधारित है ये सम्मेलन, जिसका अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया। बिल्कुल सही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है और हमारे सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, हमारे जो परिवेश होते हैं उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल करने के लिए रेज को ये लाया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट या यूनिट टेरिटरीज ऑर्गेनाइजिंग कोरोना इंटेंसिव कम्युनिटी सर्वे कैंपेन। तो कोरोना इंटेंसिव कम्युनिटी सर्वे कैंपेन किस राज्य सरकार के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया था, तो कोरोना इंटेंसिव कम्युनिटी सर्वे कैंपेन ये किस राज्य सरकार के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। तो राइट आंसर इज छत्तीसगढ़। तो राइट आंसर इज छत्तीसगढ़। तो कोरोना इंटेंसिव कम्युनिटी सर्वे कैंपेन जो ऑर्गेनाइज किया गया था ये छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, छत्तीसगढ़ के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया था। अगला है अस्थल ब्रिज। अस्थल ब्रिज का इनॉग्रेशन किया गया, ये किस राज्य में अस्थल ब्रिज का इनॉग्रेशन किया गया है, और एडिशनल क्वेश्चन में ये पूछ रहा हूं कि किसके द्वारा किया गया। तो अस्थल ब्रिज का उद्घाटन अभी हाल ही में किस राज्य में किया गया है, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये है हमारी तरफ से कि ये किसके द्वारा किया गया। अस्थल ब्रिज का उद्घाटन जो किया गया है किस राज्य में किया गया है और किसके द्वारा किया गया, ये पिछली क्लास के वीडियो में हमने बताया था। और एक चीज याद रखिएगा कि शाम को भी हम आज क्लास अरेंज करेंगे, और शाम की जो क्लास होगी वो लास्ट सिक्स मंथ के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, लास्ट सिक्स मंथ के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। उसमें कुछ बैंकिंग के भी क्वेश्चन डाल देंगे और स्टैटिक के भी क्वेश्चन डाल देंगे, यानी एक प्रॉपर मॉडल पेपर होगा। तो शाम को जो क्वेश्चन लाएंगे वो मॉडल पेपर होगा 40 क्वेश्चन का, और ये एग्जाम तक कराते रहेंगे, मेंस के एग्जाम तक, ठीक है। तो ये अस्थल ब्रिज का उद्घाटन किया गया है जम्मू कश्मीर में, इस ये उद्घाटन किया गया है, और ये किया गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है जम्मू कश्मीर के, कौन है लेफ्टिनेंट गवर्नर, हाँ बिल्कुल मनोज सिन्हा। तो ये उद्घाटन जो किया गया है मनोज सिन्हा जी के द्वारा किया गया है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू एंड कश्मीर के, और जम्मू एंड कश्मीर में ही अस्थल ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन कृतज्ञता जो है वो पेंशन सबमिशन से संबंधित है, यानी पेंशन भुगतान से सबमिशन और उसको ट्रैकिंग करने से। जैसे मैं रिटायर हो चुका हूं तो पेंशन के लिए हम अप्लाई करेंगे, तो पेंशन का फॉर्म अप्लाई करेंगे तो फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, तो पेंशन हम सबमिट भी कर सकते हैं फॉर्म को, और हम अपने पेंशन को ट्रैक भी कर सकते हैं कि कब आएगा और हमारा फॉर्म का स्टेटस क्या है। तो ये किस राज्य सरकार के द्वारा इसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है कृतज्ञता, हाँ ठीक है। तो राइट आंसर इज असम। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द नेम द हाईएस्ट पेड फीमेल एक्टर इन द वर्ल्ड। तो यानी सबसे ज्यादा पेड एक्ट्रेस कौन है अभी हाल ही में
फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा, अभी हाल ही में फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा ये लिस्ट जारी की गई है हाईएस्ट पेड फीमेल एक्टर इन द वर्ल्ड। तो ये इसका आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है सोफिया वर्गरा। तो सोफिया वर्गरा की अगर बात करें तो सोफिया वर्गरा को हाईएस्ट पेड फीमेल एक्टर डिक्लेयर किया गया है किसके द्वारा? फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा, फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा, ये याद रखिएगा। पिछली बार कौन थी? पिछली बार स्कारलेट जॉनसन थी। 2019 में जो ये लिस्ट जारी की गई थी उसमें सबसे टॉप पे स्कारलेट जॉनसन थी 56 मिलियन US डॉलर के साथ, 56 मिलियन यूएस डॉलर के साथ। और सोफिया वर्गरा जो बनी है ये 43 मिलियन यूएस डॉलर के साथ टॉप पोजीशन पे हैं सोफिया वर्गरा फोर्ब्स मैगजीन के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में मिष्टी मुखर्जी का निधन हो गया। वैसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, लेकिन वो क्वेश्चन अभी हाल ही में घटा है तो ये क्वेश्चन आ गया है। तो मिष्टी मुखर्जी का अभी हाल ही में निधन हो गया, तो ये किस क्षेत्र से संबंधित थी? हाँ बिल्कुल, राइट आंसर इज सी, एक्ट्रेस मिष्टी मुखर्जी इनका नाम था। कई फिल्मों में ये अभी हाल ही में रिसेंटली आई भी थी। तो रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन यानी डोनर मिनिस्टर के द्वारा एक कॉफी टेबल बुक रिलीज की गई है जिसका नाम है डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम। तो डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम ये बुक जो रिलीज की गई है अमिताभ बच्चन के द्वारा फॉरवर्डेड था ये, और ये डोनर मिनिस्टर के द्वारा ये बुक रिलीज की गई है जिसका नाम है डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम। ये डोनर मिनिस्टर कौन है? यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, हु इज द डोनर मिनिस्टर? हाँ, तो राइट आंसर इज जितेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह इज द डोनर मिनिस्टर। बस आज पिछला जो क्लास लिए थे, पिछला जो हमने वीडियो क्लास लिया था उससे रिलेटेड, और आज के जो हमने क्लास लिया है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, तो पिछले क्लास और इस क्लास से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, और डेली हम हर दिन का हेडलाइंस ले आएंगे, ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। मतलब कि जैसे हम लोग न्यूज़पेपर के आर्टिकल पढ़ते थे, तो न्यूज़पेपर के आर्टिकल पढ़ते थे तो उसमें बहुत डिटेल हो जाता था, तो बहुत समय लग जाता था। तो आज जो क्लास थी हम कोशिश करेंगे कि केवल मेन हेडलाइंस 2-3 लाइन का होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो कंटेंट से रिलेटेड होगा उसी को हम लेके आएंगे, हेडलाइंस आर्टिकल नहीं, हेडलाइंस लेके आएंगे, उसको पढ़ेंगे और फिर MCQ करेंगे। और शाम को हम कोशिश कर रहे हैं ये मॉडल पेपर लाने का 40 क्वेश्चंस का, 40 क्वेश्चंस के सेट हर दिन हम डिस्कस करेंगे रात शाम को। ये टाइम देखना पड़ेगा कि 6 बजे या 7 बजे किस टाइम पे हम लोग फ्री रहेंगे, आप लोग फ्री रहोगे 6 बजे या 7 बजे? 6 बजे या 7 बजे या 10 बजे, आप लोग बताइए जिस हिसाब से जिस टाइम पे आप लोग करना चाहें। हम सोच रहे हैं जो जैसे एन अकेडमी पे चल रहा था वही टाइमिंग रहेगा, 7 बजे वाली क्लास में लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करेंगे मॉडल पेपर के तौर पे, और रात में कभी कभी 10 बजे रात में हम स्पेशल टॉपिक पे ले आएंगे, जैसे कि इंडेक्स के बारे में और सबमिट्स के बारे में, तो स्पेशल टॉपिक्स पे भी हम ले आएंगे रात में 10 बजे। 7 बजे रखते हैं। हाँ बिल्कुल, और थैंक्स टू ऑल जो आप लोग हमारी क्लास में आए, बहुत अच्छा लगा। हम ऑफलाइन कोचिंग जो पढ़ाते हैं वो मंगलम में पढ़ाते हैं, लखनऊ में, सोनू कुमार जी, मंगलम कोचिंग लखनऊ में। हाँ कपूरथला लखनऊ में, रमेश चौरसिया जी तो पढ़ चुके हैं हमसे ऑफलाइन में। बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी क्लास में आए। अभी जो प्रॉब्लम्स हो रही होंगी साउंड की या जो भी है तो हम उसको सही कर देंगे। ठीक है, थैंक्स टू ऑल जो आप लोग क्लास में आए, बहुत अच्छा लगा। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं।
थैंक यू, बाय बाय। और दोस्तों से शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो नहीं किए होंगे। तो थैंक्स टू, बाय बाय।